गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। तो 9th क्लास का अपना प्रीवियस जो वीडियो आया था उसमें अपन ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 3rd स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक, यानी कि जो निर्देशों निर्देशांकों पर चले उसे बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति का ऐसा भाग जो निर्देशांकों के आधार पर चले उसे बोलते हैं अपन निर्देशांक ज्यामिति। बेटा इसमें एक होता है कार्तीय समतल इस तरह, ये जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़ी हुई लाइन जो होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ऐसे जो 90 डिग्री का इस पे कोण बनाए, 90 का कोण बनाए, वर्टिकल लाइन यानी कि जो ऐसे खड़ी हुई लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये क्या होगी बेटा एक्स अक्ष, ये क्या होगी बेटा वाई एक्सिस, और जिस बिंदु पर ये दोनों काटती है उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा मूल, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0। तो ये जो एक्स और वाई अक्ष होती है ये इसको 4 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है बेटा 4। इससे हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये होता है पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होता है सेकेंड पार्ट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तीसरा पार्ट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या होता है चौथा पार्ट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 भाग बेटा होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्वाड्रेंट बहुत कुछ हो जाएगा, तो अगर इसमें दोबारा बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस वाई और वाई एक्सिस, ये प्रथम ये द्वितीय ये तृतीय। तो बेटा प्रथम में तो दोनों चिन्ह जो होते हैं वो कैसे होते हैं धनात्मक, द्वितीय में होते हैं ऋणात्मक। एक्स का मान प्रथम होता है, एक्स का मान द्वितीय होता है, वाई का मान, तो ये दोनों धनात्मक होंगे, ऋणात्मक धनात्मक होंगे, ये दोनों ही ऋणात्मक होंगे और ये धनात्मक और क्या होंगे इस तरह चलते हैं। तो ये इन साइन सिस्टम, इस साइन सिस्टम के आधार पर बेटा हम ये बता सकते हैं ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है और कहां पे बेटा लाइज हो रहा है, ठीक है, ये अपन हम बताते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है, अब इसमें कुछ मैं बेसिक बताना बता रहा हूं, ये चीजें समझ में आ। तो देखिए जरा, यदि बिंदु एक्स एक्स पर है तो निर्देशांक क्या होगा, क्या होंगे ऐसे दूसरा, यदि बिंदु वाई एक्स पर है निर्देशांक क्या होंगे 0 और 1। मतलब एक्स एक्स पर वाई का मान 0 होगा, वाई एक्स पर एक्स का मान क्या होगा बेटा 0, ठीक है। इसी के आधार पे कुछ और हम पॉइंट लिखते हैं। अब देखो समीकरण क्या होता है, चर और अचर राशियों का ऐसा संयोजन जिसमें बराबर का चिन्ह उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं बेटा समीकरण बोलते हैं। चर और अचर राशियों का ऐसा संयोजन जिसमें बराबर का चिन्ह हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा समीकरण बोलते हैं। तो पहली चीज समझे, अगर आपसे ये पूछ दे
समीकरण क्या होगा? तो बेटा x x का समीकरण क्या होता है? y बराबर जीरो, क्योंकि y का मान क्या है? जीरो। चौथा, अगर आपसे ये बोल दे y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर जीरो, क्योंकि y अक्ष का मान क्या होता है? ठीक है, ये बेटा बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दसवीं में भी इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा, तो इस बेसिक टॉपिक पे आपको स्पेशली फोकस करना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। ये पहले एरेंज कर देते हैं। देखिए समझे, अब कोई भी सपोज कीजिए, ऐसे कोई इस तरह दिया गया है एक्स एक्स वाई वाई और एक कोई रेखा इस तरह ए दूरी पर प्रेजेंट है मोल बिंदु से, तो आपसे अगर लेते हैं पॉइंट फिफ्थ पे बात कर लेते हैं y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कितनी दूरी यहां से a है, तो क्या होगा? x इक्वल टू a, ये होगा y से समांतर रेखा। सिक्स पॉइंट बोल दें, इसी में ये रेखा रखी, ये दूरी क्या है b, और क्या बोल दिया x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो ये क्या होगा बेटा? y। ठीक है, तो ये बेटा इसकी बेसिक नॉलेज थी, जिसके बेस पे हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो ये बेसिक पहले आपको समझना है, उसके बाद में एक्सरसाइज में जैसे हम पहुंचते हैं। 3.1 बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा, बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 3.1 पे बात करें, ओनली दो क्वेश्चन है 3.1 में, केवल दो ही क्वेश्चन है बेटा। देखें 3.1 एक्सरसाइज, ये बेसिक था, इसके बेस पे चैप्टर कंप्लीट होगा। अब 3.1 में पहुंचते हैं, बेटा 3.1 में पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है 3.1। करा हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी भी, जैसे सपोज कीजिए किसी भी कोई टेबल है, टेबल कैसी होगी? लाइक दिस रेक्टेंगुलर। सपोज कीजिए यहां इस तरह, ऐसे ये सपोज कर लिया हमने ए, ये क्या मान लिया बी, तो यहाँ पे कितना चले ए, यहाँ पे क्या चले बी, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो दोनों कैसे होंगे बेटा? पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों धनात्मक मान क्लियर भी रह गया, ये बेटा टेबल लैंप को इसलिए पोजीशन को सेट। क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, जिस भी क्वाड्रेंट, जिस भी चतुर्थांश में बताएंगे उसके क्वाड्रेंट को आप साइन यूज कर दोगे। प्रथम में है तो धनात्मक, दोनों धनात्मक, इसमें पहला धनात्मक दूसरा धनात्मक, इसमें दोनों धनात्मक, इसमें पहला धनात्मक और दूसरा धनात्मक। ठीक है, उस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, सेकंड में कह रहा है कि एक कुछ शहर है, उसमें दो मेन रोड है और उन मेन रोडों, मेन रोड अगर है तो उन रोडों को किससे दिखा दिया? एक्स और वाई अक्ष से हमने दिखा दिया।
कि जो मेन रोड है वो क्या है, एक्स अक्ष और क्या है बेटा वाई अक्ष। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम ये दिशाएं बदल देती है एक्स और वाई अक्ष। फिर इसमें क्या है, एक सेंटीमीटर यानी कि एक सेंटीमीटर मतलब एक कॉलम को इसमें क्या यूनिट माना है, 200 मीटर। तो कह रहा है सेकेंड और फिफ्थ सेकेंड और फाइव को हम कहां पे जो स्प्लिट करेंगे वो कहां पे करेंगे, इसका मतलब इस तरह बना लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक एक सेंटीमीटर पे, आप ग्राफ पेपर ले लेंगे उसमें आने के एक सेंटीमीटर पे होता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से बनाएंगे y एक्सिस है और इनके इस तरह y एक्सिस। अब पहले तरह 2 और 5 कहां पे होगा, देखें 1 2 3 4 5, इसमें क्या आ गया 1 2 3 4 5, करेक्ट 2 and 4 5, पहले 2 आया x में, क्योंकि दोनों धनात्मक थे तो प्रथम चतुर्थांश में 2 और 5 ये आ गया, ये सो हो गया 4 5। फिर किस पे कह रहा है, इसके बाद तो फिर कह रहा है हाउ मेनी प्रोस्टेट कैन बी फॉर दैट 4 3 पॉइंट पे। तो सिंपल से बात है, एक बिंदु पर दो ही हमारे दो ही स्ट्रीट दो ही रास्ते कट सकते हैं, तो 4 3 x पे 4 y पे 3 4 यहां पे आ गया 1 2 3, ये क्या हो गया बेटा 4 3, x पे 4 चले। अब कितनी इसमें कट कर रही है, दो ही कट कर रही है, एक ये और एक ये, दो ही एक बिंदु पे कट कर। फिर कह रहा है 3 4 पे, 3 4 का मतलब x पे 3 y पे क्या हो गया 4, ये 3 1 2 3 4 ये क्या